नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो चलिए रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों की ओर। तो चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान आयोजित जनजातीय समुदाय की जीवन शैली और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सहज भाव से लोगों से मिले और उनका हालचाल भी पूछा। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने मारवाही दानी कुंडी का ठेकी पर चावल, मुनगा पाउडर और शहद भी खरीदा। साथ ही अनेक स्टॉलों में अपनी प्रस्तुति दे रहे नृतक दलों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उनके साथ फोटो खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन मुख्यमंत्री ने किया। तो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक और नया अंदाज देखने को मिला है, जहां कार्यक्रम में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले महोत्सव स्थल पर मौजूद युवाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि युवा देश के भावी कर्णधार हैं, उनमें असीम ऊर्जा सन्निहित है, वो इसका उपयोग कर देश और समाज के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। आपको बता दें कि युवा छत्तीसगढ़ यूथ आर्टिस्ट एसोसिएशन से थे, जो प्रदेश में संस्कृति से जुड़े ऐसे अनूठे आयोजन के लिए मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद देने पहुंचे थे। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य में मध्य प्रदेश टीकाकरण अभियान के तहत 7 करोड़ डोज पूर्ण होने पर स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा संकल्प 31 दिसंबर तक राज्य में कोरोना का दूसरा डोज सभी लोगों को लगा देने का है। हमें सभी को कोरोना से संपूर्ण सुरक्षा देनी है। शिवराज ने कहा कि विरोध और भ्रम के बीच भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त परिश्रम किया है। नदी नाले पहाड़ों और इन सबको पार करके हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण का कार्य किया है। मुझे अपने हेल्थ वर्कर्स पर नाज है। उन्होंने कहा कि दूसरे डोज के लिए जागृति लाने के लिए हम नए तरीकों से अभियान चलाएंगे और जरूरत पड़ने पर घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि वैक्सीन ही संपूर्ण सुरक्षा का कवच है। एक ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश के लिए कल का दिन था, जिसकी प्रसन्नता हम आज मना रहे। मध्य प्रदेश में 7 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़े। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है और कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य कर्मियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्होंने कड़ी परिश्रम करके लोगों को डोज लगाई है। साथ ही शुरुआत जब वैक्सीनेशन को हुई थी तो इसमें कई तरह के भ्रम फैलाए गए थे विपक्ष के द्वारा। आज का ये नौजवान जो खड़े हैं, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। साथ ही उनसे कहा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन के दौरान काम किया है, वो सच में तारीफ़ के काबिल है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई भी दी है और कहा कि मुझे अपने स्वास्थ्य कर्मियों पर गर्व है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला किया है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों भी लिया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से थी, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से थी। शिवराज सिंह चौहान ने तो ऐसा व्यवस्था भ्रष्टाचार की बना ली थी कि पैसे दो और काम लो। मैंने मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने की शुरुआत की है, मैंने मध्य प्रदेश में निवेश लाना शुरू किया है। आज का ये नौजवान जो खड़े हैं, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा मध्य प्रदेश हमारा बनेगा? आज कितना पलायन, कितना पलायन, रोजगार के कोई मौके नहीं। मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगते नहीं थे उससे ज्यादा बंद हो जाते थे। ये हालात थी मध्य प्रदेश की। हमारे औद्योगिक क्षेत्र
वहां शराब के कारखाने चलते हैं और कोई नहीं रखता, सब बंद कर देते हैं। ये हालात थे मध्य प्रदेश के। मैंने कहा कि ये बेरोजगारी, इसको निपटने के लिए हमें निवेश की आवश्यकता है, पर निवेश तो तब आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश में विश्वास होए। आप भी उस दुकान में जाते हैं जहां आपका विश्वास होए। किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से। शिवराज सिंह जी ने तो ऐसी व्यवस्था भ्रष्टाचार की बना ली थी कि पैसे दो काम लो, ये व्यवस्था बनाई हुई थी शिवराज सिंह जी। तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाकर भगवान शिव के दर्शन करेंगे, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में इसको लेकर विशेष आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान मध्य प्रदेश के हर जिले के कम से कम 2 शिवालयों में भव्य आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर होंगे, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तैयारियां कर रखी हैं। और जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के हर जिले में कम से कम 2 शिवालयों में इसको लेकर पूजा अर्चना की जाएगी और सीधा लाइव प्रसारण वहाँ देखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का। तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो जो कार्यक्रम होंगे उसको लेकर जो जिला की इकाइयां हैं उनको तमाम जानकारियां दी दी गई हैं और निर्देश भी दे दी गई हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और हर जिले के 2-2 शिवालयों में कम से कम उसका लाइव प्रसारण होगा और पूजा अर्चना की जाएगी। नवंबर को केदारनाथ में जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे और विकास की कई परियोजनाओं को वो वहां पर शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी इस अवसर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ के अंदर होंगे तो मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो अपने स्थान है, हमारे ऐसे कई शिवालय हैं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने तय किया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 2 शिवालय पर एक भव्य आयोजन करके उन आयोजनों में हमारी सभी लीडरशिप, माननीय मुख्यमंत्री हो, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोग मिलकर के अलग अलग स्थानों पर जनता जनार्दन को जोड़ करके उन स्थानों पर सीधा लाइव प्रसारण माननीय प्रधानमंत्री जी का हर जिले में कम से कम 2 स्थान, जिसमें महाकालेश्वर भी है, ओंकारेश्वर भी है, मुरैना का खगनमठ भी है, हमारे खजुराहो का जो तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा ऑन स्पॉट लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा दी जा रही है। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव में पहुंच रहे युवा परिवहन विभाग के ऑन स्पॉट मिल रही सुविधा का लाभ लेने के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। तो वहीं परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन के दौरान परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि सारी सुविधाएं अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, यहां तक कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया किस चरण में है इसकी पल पल की जानकारी भी आवेदक देख सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत के बाद अब तक 3 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषित जिले के एमसीबी यानी कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया था। इस संशोधित प्रस्ताव को बीते 23 अक्टूबर को राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें 3 विकासखंड खड़गवा, भरतपुर और मनेंद्रगढ़ हैं, जबकि 5 तहसीलों के साथ 101 पटवारी हलके शामिल हैं। वहीं नवगठित जिले के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर अभी दावा आपत्ति की प्रक्रिया होनी अभी बाकी है।
तो छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कवर्धा यात्रा पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कवर्धा जाना और जेल में बंद दंगों के आरोपी से मिलना यह प्रमाणित करता है कि कवर्धा में अशांति फैलाने के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस राज्य में सत्ता में नहीं होती है वहां धर्म से धर्म को लड़ाकर सांप्रदायिकता की आग फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहती है। विष्णुदेव सहाय कवर्धा में जाकर जेल में बंद दंगों के आरोपी से मिलने का स्पष्ट संदेश है कि दंगा फसाद और सांप्रदायिकता फैलाने वालों के साथ बीजेपी खड़ी है। तो खबर भिंड जिले से है जहां पर आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी तैयारियों में जुट गई है। हाल ही में बीएसपी ने मेघ सिंह नरवरिया को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है तो वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील बघेल को प्रदेश बीएसपी प्रभारी बना गया है। आगामी चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेता दिलीप बोध, प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल, जिलाध्यक्ष मेघ सिंह नरवरिया की मौजूदगी में सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई जिसमें कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीएसपी के वरिष्ठ नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा गया कि आगामी पंचायत चुनाव में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पंचायत स्तर से जुट जाएं ताकि पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। जिला अध्यक्ष ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए इशारों में ही कहा कि सत्ता पक्ष को पहले से ही चुनाव की भनक लग जाती है, इसलिए बीएसपी पहले से ही तैयारियों में जुट गई है। आने वाले जो चुनाव हैं नगरी और ग्राम पंचायतों के, उनमें पार्टी कैसे फतह करे इसकी प्लानिंग पूरी उन्होंने यहाँ पर बनाई है और उन्होंने निर्देश दिया है कि सारे कार्यकर्ता गांव-गांव जुट जाएं पोलिंग पर, क्योंकि आचार संहिता कभी भी हो लग सकती है और कभी भी हम लोगों को चुनाव में जाना पड़ सकता है। आने वाले चुनाव में सबसे ज़्यादा बसपा के समर्थक चुनाव जीत के आएँ, ऐसी रणनीति बनाई गई। पंचायती चुनाव हैं उनमें हमारे कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग की गई है कि निकट किसी भी समय पंचायत के चुनाव की घोषणा हो सकती है, उनमें हमें कौन कौन सी सीटों पर किन किन प्रत्याशियों को चयन करना है और वो भी हमारे जो संगठन कहाँ कहाँ पर कमज़ोर है उनको दुरुस्त करके हमें पंचायत चुनाव में अच्छे से रिजल्ट देने के लिए बैठक बुलाई गई। अभी जो त्रिस्तरीय पंचायतों की शायद एक घोषणा होने वाली है, क्योंकि हमारी पार्टी को ये नॉलेज नहीं रहता है कि कब घोषणा हो जाए, इसलिए हम लोग पहले से ही अलर्ट रहते हैं, क्योंकि जो पार्टियाँ सत्ता में हैं उनको तो सब मालूम है कि कब इलेक्शन कराना है, कब क्या होना है, लेकिन हम लोग इसी तैयारी में बैठे हुए हैं। भले ही आप घोषणा हो या ना हो आज, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं त्रिस्तरीय पंचायतों के। हम लोग धरातल पर जाके और जो त्रिस्तरीय पंचायतों का जो सदस्य हैं, जैसे लोग यार जनपद सदस्य हैं या तुम्हारे जिला पंचायत सदस्य हैं, इनकी हम पूर्ण। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के त्रिपुरा में मुस्लिम पर अत्याचार पर फैलाए जा रहे सफेद झूठ पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में तुष्टिकरण के लेकर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाकर एक बार फिर से बहुसंख्यक समाज के प्रति अपना दुराग्रह का प्रदर्शन कर रही है। श्रीवास्तव ने कहा कि त्रिपुरा में मामले में सच छिपाकर राहुल गांधी भ्रम फैलाने में लगे हैं, जबकि त्रिपुरा के पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिमों के साथ ऐसा किसी तरह की घटना से इनकार किया है, जिसको लेकर राहुल गांधी देश में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाकर कांग्रेस के षड्यंत्रपूर्ण टूलकिट एजेंडे को लेकर प्रलाप कर रहे हैं। तो खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है जहां पर फिल्मी कलाकार केदार सिंह बाराकला का सराहनीय कदम देखने को मिला है। केदार सिंह कोरोना काल में जब अपने गांव लौटे तो गायों की दशा को लेकर अपने घर को ही गौशाला बनाकर गायों का चारा पानी की व्यवस्था करते चले आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें केदार सिंह कई फिल्मों और कई सीरियल्स में अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। साथ ही गौ सेवक संतोष चौहान जो कि लाहार छिद से आते हैं, उन्होंने भी अपनी जीवन को गायों के प्रति समर्पित कर दिया है। बेहतर कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय संप्रदाय के सद्भाव पुरस्कार से उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया है। महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद जी महाराज भी अपने आश्रम के अलावा गायों की सेवा करते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि गांव के लिए गौशाला जो बनाई गई है वो बंद है और उन्हें चालू किया जाए और राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित किया जाए। आजकल ग्रामीण अंचल में शमशान घाट पे गाय मार मार के पीट पीट के बूचड़ खाने में बंद की जा रही है, उनको खुले दिल से पानी पीने को और चारा खाने को ढील देना चाहिए, जो कि ताला लग के बंद हो जाती हैं और बंद स्थिति में पूरे ग्रामीण अंचल में जी स्थिति बनी हुई है। ब्लेड वाले तार
करंट वाले तार और कटीले तार बने रहे, कोई बुराई नहीं है, पर इन तारों के लिए शासन के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। क्या किया, इनकी बहुत दुर्दशा हो रही है। ये हिंदू धर्म की धुरी है, हिंदू धर्म की नीम है। गाय से हमें बहुत सारे धर्म की रक्षा मिलती है, सारे देवताओं का निवास है उसके अंदर, और बहुत संस्कार मिलते हैं। हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी यदि गाय की रक्षा नहीं हुई तो मेरा ये सबसे निवेदन है, आम आदमी से लेकर और सरकार तक सबसे निवेदन है कि गाय की रक्षा की जाए, उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जय। अब फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ENB न्यूज पर। आमंत्रण है आपको उस धरा का जहां वनों का आंचल लहराता है, आमंत्रण उस अबूझ माड़ का जहां सूर्य किरण का रथ धरती से पहले पेड़ की शाखों पर ठहर जाता है, आमंत्रण उस चित्रकूट का जहां इंद्रावती की गोद में इंद्र धनुष खिलखिलाता है। उत्सव ये अलबेला हमर संस्कृति के मेला, उत्सव ये अलबेला हमर संस्कृति के मेला, मिला रे जम्मू दुनिया के आदिवासी संस्कृति के, जम्मू दुनिया के आदिवासी संस्कृति के, जश्न मनाबो नाचबो गाबो, जश्न मनाबो नाचबो गाबो, जोश खुशी से नाम बढ़ाबो रे। प्रकृति के प्रांगण में आइए आदिवासी संस्कृति का उत्सव मनाएं। छत्तीसगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में देखिए भारत के आदिवासी नृत्य की छटाएं। ओ मेहनत भरी यहाँ कर्मा की तान है, ज्ञान से भरा यहाँ जय गंगान है, मेहनत भरी यहाँ कर्मा की तान है, ज्ञान से भरा यहाँ जय गंगान है। परब और सैला मन को लुभाते हैं, मांदर और झांझ आपको बुलाते हैं, मांदर और झांझ आपको बुलाते हैं। 28, 29 और 30 अक्टूबर को होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए आप सभी को छत्तीसगढ़ सरकार का स्नेहिल आमंत्रण। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर रायपुर में एक गुड़ाखू फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। फैक्ट्री में काम कर रहे 3 मजदूर मिश्रण की टंकी में गिर गए। आपको बता दें कि तीनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सदर बाजार इलाके में स्थित शर्मा गुड़ाखू फैक्ट्री में सभी मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान 3 मजदूर गुड़ाखू फैक्ट्री में काम करने के दौरान मिश्रण टंकी में जा गिरे, जिसके बाद तीनों मजदूरों को टंकी से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां तीनों ने दम तोड़ दिया। तो खबर छत्तीसगढ़ के फरसगांव, पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिल रही थी कि 2 व्यक्ति बोरी में तेंदुओं की खाल बेचने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जानकारी ली तो 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने एक व्यक्ति को भागकर पकड़ लिया, जो दूसरा व्यक्ति था वो जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने तलाशी के दौरान व्यक्ति के पास से तेंदुए की खाल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक तेंदुओं की खाल की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हमारे द्वारा NCP लगाकर गांजा को इंटरसेप्ट करने के लिए कोशिश की जा रही थी, तभी हमको 2 लोग संदेहास्पद कंडीशन में दिखे। उनको जब उसमें SDOP साहब मणिशंकर चंद्रा एवं
थाना प्रभारी फरसगांव और उनकी पूरी टीम वहाँ पे मौके पे मौजूद थी और उनसे रोक के जब हमने पूछताछ करी तो उनके पास तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इन दिनों कुछ शिक्षकों की मनमानी के कारण नौनिहालों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। पूरा मामले जिले के नाईगढ़ी ब्लॉक अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर आपको बता दें कि स्कूल प्रचार्य के मनमानी के कारण छात्र छात्राओं को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। छात्रों द्वारा बताया गया कि स्कूल में शिक्षक नहीं रहते हैं, वहीं प्रचार्य भी कभी कभार स्कूल आते हैं, तो वहीं फायदा इसका ज़्यादातर प्रचार ही उठाते हैं। हालांकि रीवा कलेक्टर के द्वारा इन दिनों हर शनिवार सफाई अभियान चलाया जा रहा है, बावजूद इसके स्कूल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं स्कूल का गेट भी टूटा हुआ था और स्कूल में बैठने के लिए कुर्सी भी मौजूद नहीं है। बच्चों को पीने के पानी के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। स्कूल प्रचार की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। अगर स्कूल के शिक्षक ही दबंग निकल जाएं तो फिर बच्चों की जिंदगी अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिला है, जहां रीवा जिले के नईगढ़ी ब्लॉक अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीर में प्राचार्य की दबंगई इन दिनों हावी हो चुकी है। वहीं जब स्कूल में जाया गया तब यह साफ तौर पर देखने को मिला कि स्कूल में शिक्षक थे ही नहीं, और जब इस बात की जानकारी प्राचार्य से लेनी चाही गई तो प्राचार्य के द्वारा कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया। हालांकि स्कूल में जो हालत देखी गई उससे यह साफ हो गया कि बच्चों की जिंदगी अंधकार में जा रही है, क्योंकि बच्चों के द्वारा साफ तौर पर यह बताया गया कि प्राचार्य भी नहीं आते हैं स्कूल, और कभी कभी प्राचार्य आते हैं नहीं तो स्कूल में ज़्यादातर प्राचार्य नहीं है। स्कूल की व्यवस्थाएं जिस स्तर तक नीचे गिर चुकी है यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और ननिहालों की जिंदगी बर्बाद होती हुई दिख रही है। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा, क्या जिला प्रशासन के द्वारा ऐसे प्राचार्यों पर कुछ कार्यवाही की जाएगी या फिर जांच के नाम पर ही सब हीला हवाला कर दिया जाएगा। एएनवी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी। तो 5 दिन बाद दीपावली यानी प्रकाश पर्व है। बाजार में कुम्हार के घड़ों में चहल पहल नजर आती है। कुम्हारों का चाक लगातार घूम रहा है। पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पा रहे हैं कुमार, और इसको लेकर उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस बार दीपावली पर उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। राष्ट्रहित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। जहां एक ओर पूरे देश में दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी और भानपुरा तहसील के गांव हरिपुरा में भी मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों की चाक अब तेजी से चलने लगी है। जहां एक ओर पूरा परिवार मिट्टी के दिए बनाने में लगा है, तो वहीं इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद भी है। वहीं यहां रहने वाले कुम्हार परिवारों का कहना है कि मिट्टी के दीपक बनाने में मेहनत लगती है और वो रोजाना अभी 400 से 500 दीपक ही बना रहे हैं। एक तो दीपक बना रहे हैं, कलश भी बना रहे हैं, और जो भी दीपावली में उपयोग आते हैं वो बना रहे हैं सब, और के मिट्टी के बर्तन। जी, अच्छी बात है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रशासन से क्या चाहते हैं कि आपको किस प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए? भाई प्रशासन से यही चाहते हम कि हमें इलेक्ट्रिक चाक की सुविधा हो, मिट्टी का कोई टैक्स नहीं लगे। खास बात तो यह है कि इस काम में बड़ों के साथ साथ घर के बच्चे भी हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। कोई मिट्टी गूंथने में लगा है तो किसी के हाथ चाक पर बर्तनों को आकार दे रहे हैं। वहीं कुम्हारों की माने तो दिए के लिए दूर से मिट्टी लाना, महंगी लकड़ी खरीदकर दीपक पकाने में जो खर्च आता है उसके बदले में आमदनी लगातार घटती जा रही है। 1 से 2 महीने चलने वाले इस काम से अब उनके रोजगार की पूर्ति नहीं हो पाती और उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। मिट्टी के लिए भी हमें बहुत मजबूर होना पड़ता है, लोगों से मतलब बड़ी मुश्किल से उनसे अनुरोध करके उनकी जगह से मिट्टी लाना पड़ता है। मिट्टी के लिए भी हमारे पास कोई जगह नहीं है,
मिट्टी की जगह भी मिलना चाहिए। लगभग लगभग 5,000 का तो बैठ ही जाता है। कुम्हारों का मानना है कि आजकल बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक लाइटें, दीपक और डेकोरेशन के दूसरे आइटम आ चुके हैं। इस वजह से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। ये हम बर्तन बना रहे हैं, कलश बना रहे हैं, दीपक भी बना रहे हैं। हमको करीब करीब एक माह हो गए इसमें बनाते बनाते, और भी ज़्यादा हो गए हैं। क्या क्या आप अभी बनाते हैं? यार मैं दीपक बनाते हैं, कलश बनाते हैं, बिजोरा बनाते हैं दीपावली है, मटकी बनाते हैं, जो भी आप इसमें सभी कुछ कुल मिला के सब चीज़ें आप तैयार। हाँ, तो आपको उसका क्या मुनाफा मिलता है भी? मतलब थोड़ा है, कम मिलता है मुनाफा, जो भरपूर हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है। वहीं एनबी न्यूज के माध्यम से उन्होंने जनता से अपील की है कि दीपावली पर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दिए घर में जलाएं, ताकि दिए जलाने की जो परंपरा है वो बनी रहे और बिजली से जगमगाती ये लाइटें दिए की खूबसूरती को रोशनी से फीका ना करें। अच्छा, हमको ये हमारे चाक की भी जरूरत है, हमने वो भी फार्म भर रखा, वो भी नहीं मिला साहब हमको। वो हमने साल भर हो गए कई, वो अभी तक नहीं मिला हमको। हमको बहुत परेशानी, पत्थर का चाक घुमाने में बहुत परेशानी आती है क्या, अब हमसे नहीं बन पाता है पत्थर का चाक से। इसलिए हमारी मांग है कि हमको शासन की ओर से चाक भी मिलना चाहिए, अच्छा मशीन भी मिलना चाहिए मिट्टी बनाने की वगैरह की कई। तो अगर शासन हमारी मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। इन दिनों में देश में मिट्टी की सुगंध है, त्योहारों की रौनक है और उन्हें खरीदे जाने पर किसी के चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट है। इसलिए एनबी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अपने देश की सुगंध के साथ साथ इस बार दीपावली में रोशनी फैलाएं और किसी को खुशी देकर दीपावली का पर्व मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबी न्यूज। तो एनबी न्यूज फिलहाल आपसे यही अपील करता है कि अगर आपकी एक छोटी सी कोशिश से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो फिलहाल वो कोशिश आप जरूर करें। इस बार पारंपरिक तरीके से दिवाली मनाएं, चाइना की जो लाइटें हैं उनसे बचें और दिए जलाएं। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।